तो टाइम हो रहा है दोपहर के 1:50। खाना खा लिया आपने? वेरी गुड। और ये मैडम अभी दही खा रही है ना, उनकी काम तो है नहीं अभी, हम होटल में ही है। और ये बाहर का व्यू देखो होटल के, ये रंजीत एवेन्यू है और वो रहा अमृतसर का पासपोर्ट ऑफिस। बनवाना पासपोर्ट आपको? नहीं बना पड़ा है। तो हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हो? बढ़िया हो, बहुत बढ़िया ही रहो। आज फिर एक दिन की शुरुआत संदीप भाजी ब्लॉग के साथ। बस अब रेडी हुए हैं, खाना वाना खा लिया, अब निकल रहे हैं हम गुरुद्वारे दर्शन के लिए। क्योंकि आज सुबह उठना था मैंने 9 बजे, पर नींद मेरी जो खुली है वो 12:30 बजे खुली है। और तैयार होके बस अब निकल रहे हैं। मैं कहा एक ही बार खाना खा के निकलते हैं, टाइम बार वेस्ट नहीं करेंगे। उमर आ रहा है, उमर 5 मिनट में आ जाएगा। उमर का दूसरे होटल में रूम बुक करवा दिया था, तो उमर भी 5-7 मिनट में आ रहा है मेरे को लेने के लिए। हम पहले सोच रहे हैं कि भाई साहब को मिल लेंगे, भाई साहब को मिलके फिर गुरुद्वारे मत्था टेक के शाम को वापिस आएंगे। तो दिल्ली आज शाम को ही चलना है, कल चलना है? हाँ नाना सर भी जाना है, फिर आज रात को निकलते। क्योंकि माँ ठीक रहेगा ना? तेरे को लेना अमृतसर से? नहीं लेना। और पता है एक गड़बड़ भी हो गई मेरे साथ। गड़बड़ क्या हो गई? जो मेरी पगड़ी है ना, मैं अपनी 2 पगड़ियां दिल्ली भूल गया। सिमरन ने बोला था सूटकेस में डाल दे, उसने डाली नहीं। और मेरे को मैंने आपको बोला था आपने डाली, मैंने निकाल के सूटकेस के ऊपर रखी थी, डाली नहीं। अच्छा, वो वहीं भूल गई। और अब क्या है, शर्ट्स अलग अलग है। कल की पगड़ी तो मैच कर गई थी, चलो पहन के आया था। आज की पगड़ी भी चलो ये रेड लाइन है इसमें थोड़ी सी मैच कर गई। और कल वाली जो पगड़ी है ना वो ग्रीन कलर की शर्ट है, उस पर पता नहीं आएगी नहीं आएगी। देखता हूँ अगर यहाँ से अच्छी अभी मिल गई तो ले लूंगा, नहीं तो फिर कल भी यही पगड़ी रिपीट करनी पड़ेगी। क्योंकि आप लोग भी यही बोलोगे कि भाई साहब वही सेम सेम पगड़ी पहन रहा है, फायदा क्या? तो कोई नहीं, चलो चले फिर। अब चलो जल्दी करो, आपकी पगड़ी नहीं देख रहे हो, मेरा सूट देखेंगे। मेरा सूट देखेंगे? अच्छा, आप सिमरन का सूट देखोगे, मेरी पगड़ी नहीं देखोगे? ये बात है। एक तो यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, भाई साहब ये स्पैम कॉल्स बंद करवा दो। दिन की 500 कॉल्स आती है जिनमें ट्रू कॉलर में स्पैम स्पैम स्पैम, मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं क्या, आप लोग भी परेशान होते हो, लोन ले लो, ये ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, पता नहीं कब बंद होंगी ये कॉल। दिमाग खराब हो जाता है बहुत ज्यादा। और मेन क्या होता है, कभी मीटिंग में बैठे ना, इनके चक्कर में कोई जरूरी फोन होता है वो नहीं उठा पाते, है ना? ये बड़ी दिक्कत रहती है। अब चलो जो है क्या कर सकते, साथी है। तो उमर अभी आ गया, अब हम लोग जा रहे सीधा राम तीर्थ रोड भाई साहब को मिलने के लिए। भाई साहब को मिलेंगे फिर गुरुद्वारे जाएंगे। तेरे रूम सही मिल गया था भाई? जी मजेदार जी, चलो सही है, बढ़िया है। अरे किमा देखो, इतने सारे पिजन्स है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं ना आपको? देख कर ले ऊपर, प्यार कर ले उनको, खोलना नहीं, ठीक है? अच्छे ना, हमको बंद करके रखा हुआ है। अभी अभी छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे क्यों? छोड़ेंगे, अभी उड़ाएंगे ना उनको। तो भाई साहब से अभी मिलके हम निकले ही हैं। भाई साहब थोड़ा शूटिंग में बिजी थे, उनका एक डिवोशनल सॉन्ग आने वाला है बहुत अच्छा, तो उसकी शूटिंग चल रही है यहाँ पे। अभी सलीम मर्चेंट भाई और मनी लाडरा सब आए हुए हैं, तो बस अभी फिर बिजी थे थोड़ा। सामने का जो हम दरबार से मत्था टेकने जा रहे हैं, अगर आप भी फ्री हो गए शाम को मिलेंगे, नहीं तो फिर देखेंगे। तो बस अब निकले हम। पहले मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक ना राम तीर्थ मंदिर है, मैं सोचा वो भी हिस्टोरिकल मंदिर है, एक बार वहाँ भी दर्शन कर लें। आज तक कभी आए हैं पर यहाँ देखा नहीं। इतनी बार अमृतसर आया हूँ ना, तो इस जगह पे आने का पहली बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मतलब मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री बता दूँ, मतलब इसको कह सकते हो अनसीन प्लेस ऑफ अमृतसर कह सकते हैं। तो क्यों इधर आए ना, तो
मतलब यहाँ की हिस्ट्री ये है, मेरे को लगता है कि कई लोग आपकी तरफ से भी अमृतसर आए हैं बहुत सारे, पर यहाँ शायद ही कोई आया हो। और यहाँ की हिस्ट्री ये है कि जो भगवान राम के जो दोनों बेटे थे ना लव और कुश, उनका जन्म यहाँ पे हुआ था, और जो वाल्मीकि जी थे, भगवान वाल्मीकि जी, उन्होंने यहाँ पर रामायण लिखी थी। तो इतनी मतलब पवित्र जगह और इतनी अच्छी जगह, मतलब मैं तो कहता हूँ कैसे छुपी हुई है हम लोगों से। तो मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को मैं इस ब्लॉग के रही जगह के बारे में बता सकूँ कि आप अमृतसर आओ तो यहाँ पर मत्था टेकने ज़रूर आओ। तो भाई साहब देखो ना क्या सरोवर बना हुआ है और कितना बढ़िया मंदिर बना हुआ है, और ये देखो कितनी शानदार, मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ के। अब हम जाएंगे दरबार साहब, चले रमनीक भाजी हैं, अपने सब्सक्राइबर ही हैं, वहाँ से आए हैं जम्मू से। जम्मू से तो बड़ा अच्छा लगा भाजी, ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗਸ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਬੰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਲੌਗਰਸ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਜੀ ਮਿਲ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਸ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। तो गुजारे तो मत्था टेक लिया, अब रोटी खाने जाएंगे या पहले शॉपिंग करनी है? पहले अनीशा के लिए सूट लेना है, फिर उसके बाद शॉपिंग करके थोड़ी बहुत फिर रोटी खाने चलते हैं, क्योंकि ढाबे वे खाएंगे आज, है ना। आज मेरा प्रॉपर रेस्टोरेंट में खाने का मूड नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है भाई, फिर रोटी खाने हाँ। जा रहे हैं रोटी खाने के लिए। तो किमा कहाँ बैठी है? अरे वापसी देखेंगे, ये देख इधर देख ना, मजा आ रहा है किमा उल्टे बैठ के, कैसे बैठी है ना किमा, पहली बार ऐसे है ना किमा। तो 10:05 हो गए, बस अभी खाना खा के निकले हैं, अब हम जा रहे हैं होटल, और थकावट इतनी ज़्यादा हो गई ना पूछो मत, क्योंकि दरबार साहब में संगत इतनी ज़्यादा थी, 3 घंटे लग गए तकरीबन लाइन में लगे लगे। तो किमरनी बहुत थक गई है, क्योंकि माँ खाना और कुछ मीठा मीठा खाना है, खाना भी उम्र तक मीठा मीठा कुछ नहीं। चलो अब होटल चलते हैं, फिर सोते हैं, ठीक है ना, सुबह टाइम पर निकल लेंगे वापसी के लिए। ये रूम तो ठीक है ना, एक्चुअली वो रूम में ना कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, मैंने एक रात और रुका था, अभी आकर रूम चेंज करवा दिया होटल का ना कि माँ, छोटा था ना ये रूम, ठीक है, तू सोफे पे सही क्या। चलो चलो, अब 11:30 हो गए यार, सुबह जल्दी उठना है। इस ब्लॉग को मैं ये एंड कर रहा हूँ, उसी ब्लॉग को कल दिल्ली के लिए कंटिन्यू करूँगा साथ में, क्योंकि जाना है। तो बस अब कल मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। अभी के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। वेरी गुड। तो ये देखो भाई साहब, सिमरन अपना सूट प्रेस कर रही है, किमरन नहाने गई है, और हमारा ब्रेकफास्ट आ गया, ब्रेकफास्ट अभी खाएंगे। भाई साहब 11:30 हो गए, रूम खाली भी करना है 12 बजे पहले, सब सामान पैक, जल्दी निपटाओ। किमा क्या खा रही है? बटर ब्रेड खा रहा है, वेरी गुड किमा, और परांठा क्या स्वाद है ना, मजा आ गया है ना, सैंडविच अच्छा है। तो ये देखो भाई साहब, अपने होटल के बाहर का रूम, और क्या तिरंगा फहरा रहा है सामने, वो देखो बढ़िया था किमा, देखो हमारा फ्लैग कितना अच्छा लग रहा है ना। तो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आपके, ठीक हो, बढ़िया हो, बस बढ़िया है। आज फिर एक नए दिन की शुरुआत सन्नी पाजी ब्लॉग के साथ, बस आज का दिन लास्ट डे अमृतसर, अब निकल रहे हैं, सामान अपना पैक हो चुका है, 12 बज गए, रूम चेकआउट करना है, रूम चेकआउट करके साथ उम्र सीधा आ रहा है अभी। अब हम जाएंगे पहले शिरोही गुरुद्वारे मत्था टेकना है, वहाँ से मत्था टेक के निकलेंगे लुधियाना, लुधियाना 2-3 लोगों को मिलना है, उसके बाद मिलकर
नाना सर गुरुद्वारे मत्था टेक के शाम को दिल्ली पहुंच जाएंगे। शाम तो नहीं होगी, रात पड़ी जाएगी, बारह एक तो बजी जाएगी किमा है ना, 11 तो नहीं, एक दो बजेंगे आराम से, इतना मुझे पता है। और आप सच सच बताना, झूठ मत बताना, किमा कितनी प्यारी लग रही है ना, बच्चे आजकल टॉमी की शर्ट्स होगी कांगनी आपको है छोटा बेबी। और सिमरन देखो नीली परी बनी हुई है आज, ब्लैक एंड ब्लू है ना। चले लेट हो गए, चलो भाई चले लेट हो गया, रूम चेकआउट करते हैं अपना भाई। तो उमर आ गया था, बस अब हम निकल रहे हैं सीधा शीतल गुरुद्वारे, वहां से फिर आगे निकलेंगे लुधियाना के लिए। आ रही है ना, ये मोगा वाली रोड है ये। वहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पे अभी हम जॉनी वीर जी की वेट कर रहे हैं। जॉनी वीर जी आ रहे हैं, वो जलंधर साइड से, फिर हमारे साथ साथ चलेंगे। क्यों भाई किमा, आप क्या कर रहे हो? मैं कुछ खाना पीना नहीं, आपको क्रोसिन खानी है? मैं कुछ खाना नहीं, क्रोसिन खानी है, हेडेक हो रही है किमा मम्मा की, और तू मम्मा को बहुत ज्यादा तंग कर रही है। एक पैकेट आम पापड़ खत्म हो गया पूरा, आप लोग दोनों नहीं, इतना सारा आम पापड़ खा लिया मैंने, और खाने का मन कर रहा है, खिलाओगे? मैंने बहुत सारा खा लिया, बहुत सारा, मैंने कम से कम 6-7 खाए हैं। इतने नहीं दिए मैंने क्या, मैंने जब लिया 3 तो उसमें निकाले हैं मैंने, 3 दिए है क्या, देखो कितना रह गया, 3 दिया, बहुत सारा खा लिया मैंने। आप दोनों में सुधरते ही नहीं, बहुत कम, देखा कितना रह गया, कि मां दीवे गोल खाए जरा, एक तो अच्छा ना, तो ना तो मीठा तो क्या होता है, मीठा नहीं खाते क्या, तू ज्यादा केयर मत कर मेरी, समझ गए, बहुत केयर करती है पता है किमा, वो ना सिर्फ मेरे पे ट्रस्ट आता है पूरी भीड़ भाड़ में, पापा आपका हाथ पकड़ के चलूंगी, क्यों मम्मा का क्यों नहीं पकड़ेगी, मम्मा घुमा देती, देखो कब घुमी है तू, घुमाया आपको, हाँ। अच्छा घुमाया था, देखो ईश्वर की शादी तो तब घुमी थोड़ी ना थी तू, ईश्वर की शादी में तो घुमी थी, कब घुमी थी, झूठ बोलती है, गाड़ी में सो गई थी, नहीं ना वो, हाँ हाँ इधर बताना, इधर बताओ यहाँ पे क्यों बोल रही है, क्या कह रही है, क्या क्या बता, क्या क्या मेरे को बता, लंगर खाने गए थे नहीं, पहले जब मैं छोटा था तो मम्मा मेरे को ईश्वर मामा और गुरु मामा सारी फैमिली वहाँ पे गई थी लंगर खाने गुरुद्वारे में, फिर वहाँ मामा वहाँ पे कुल्फी मिली थी, मैं मम्मा को बोला था कि कुल्फी लाने गए, मम्मा उस साइड चली गई, मैं उस साइड, अच्छा कुल्फी लाने गई थी, घूमे थोड़ा थे, चलो जॉनी वीर जी आने वाले हैं, अभी जिस चीज का इंतजार था वो टाइम खत्म हो गया, जॉनी वीर जी मिल गए उनको, अब हम जा रहे हैं नाना सर गुरुद्वारे, क्यों भाई पहले तो दो तबीयत वाले सब ठीक है नहीं है, तो मैं इन्होंने से मेरे लिए इन्होंने 20-25 मिनट आज वेट किया, नहीं 20-25 घंटे भी कर लेते भाई, 25 मिनट की होते हैं महाराज, नहीं नहीं कुछ नहीं, तबीयत ठीक है वधिया एकदम, बड़ी कृपा, बड़ी दूरों ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਚੱਲ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਵੀ ਸਭ ਵਧੀਆ ਇੱਕਦਮ ਪਤਲਾ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਤਾਂ ਨਾਨਾ ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕेंगे, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰेंगे, ਆਪਕੋ ਸਾਥ ਕਰਾएंगे, ਹਾਂ ਜੀ। दर्शन कर लिए, मतलब सपने में भी सोचा था कि जॉनी वीर जी यहाँ पे दर्शन करा देंगे हमको, तो बड़े भाइयों का प्यार है बस वही बना रहे हमेशा, इनका आशीर्वाद सिर पे, अच्छा जॉनी वीर जी खुश रहो, मिलेंगे खुश रहो, अच्छा वीर जी ठीक है जी, चलो मिलो किमा, तो बस अभी दर्शन करके निकले हैं यहाँ से नाना सर से, तो मुझे देखो बाबा जी की माला मिली पाठ करने के लिए, उन्होंने बोला है 24 माला मूल मंत्र रोज करना ही करना है, तो
तो बाबा जी कृपा करें, कोशिश करेंगे, सिमरन को भी मिली है। इसको सुखमनी साहब के दो पाठ रोज बोले हैं बाबा जी ने करने के लिए, तो मैं भी आपको बोलूंगा आप भी करो, जितना पाठ करो उतना कम है। तो बस हम यहाँ से बाबा जी का आशीर्वाद लेके दर्शन करके निकले हैं, अब हम सीधा जाएंगे लुधियाना, विक्की जी को मिलना है, फिर सीधा दिल्ली निकलेंगे। तो अभी टाइम है 6:15, तो दिल्ली पहुँचते 12:00 तक पहुँच जाएंगे घूमते फिरते, ठीक है ना। तो अभी हम आए हैं विक्की भाजी दुकान में। क्यों भाजी, ठीक हो? बस बढ़िया भैया, आप सुनाइए। और क्या दे रहे हो फिर? जो मर्जी लो भैया, आपकी अपनी दुकान। मतलब तो गर्मी हो गई और सर्दियों का ही माल है, विंटर के स्टॉक है ना। विंटर में क्या लूँ, जैकेट, स्वेट शर्ट, शर्ट, स्वेटर ले रहा हूँ, स्वेटर ले रहा हूँ। स्वेटर ले आपके लिए इस टाइप के आए हुए हैं। बोलो भैया। हाँ बढ़िया भैया, अच्छी लग रही है। ऑरेंज कलर अच्छा है, इसमें ये ले लेता हूँ। ये तो ऑरेंज दे दो भैया। और कौन सा कलर है? येलो कलर मिल जाएगा इसमें। येलो भी अच्छा भैया, वो भी बढ़िया रहेगा। सही है सही है। तो बाकी कोई वीडियो देख के आएगा भैया, पीस दोगे? सिंगल पीस भैया करते नहीं, आपसे प्यार है आपको दे रहे हैं। अच्छा वैसे देते नहीं भैया, सिंगल पीस करते नहीं। आप मिनिमम 10-20 पीस लेने हो तो भैया बनाना है ना, मैं दुकान का बोर्ड दिखा दूंगा भैया की। हाँ ये भी अच्छा भैया, तो भैया की दुकान दिखा दें एक बार। एसी मार्केट लुधियाना, दुकान का नाम है भैया की, क्या दुकान का नाम है? टॉप गियर। सही है भैया, एसी मार्केट ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया भैया। तो लुधियाने खाना खाने बैठा हुआ था, तो भाजी ने एकदम से पहचान लिया, जलविंदर जी है, जसकरण जी है। बहुत अच्छा लगे भाजी मिलके, लुधियाने ही होंगे भाजी। अच्छा भाजी, कितना होती है वीडियो? थैंक यू भाजी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगे मिलके भाजी, थैंक यू। खाना खाने हमारे बॉक्सिंग में, और किमा के फेवरेट मोमोस आ गए। हाय किमा की तो प्यारा बच्चा, खाओ बहुत अच्छे इसके। टाइम है 9:45 हो गए, अब हम लुधियाना से निकले हैं खाना खा के, तो उम्मीद है कि 2:30 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। क्या बोलते हो? पहुंच जाएंगे 2:30 बजे तक। उम्र को मैंने कहा तू रेस्ट कर ले, मेरे को नहीं आएगी तो फिर तू चला लियो। क्यों भी उम्र, ठीक है ना, तो तब मैं खींच रहा हूँ गाड़ी, तू सो जा अभी थोड़ी देर, है ना। तो खाना खा लिया, तो हम 3 दिन बाद दिल्ली पहुंच जाएंगे आराम से। सही बता, सही बोलो गलत बोलो? हाँ हाँ, तो टाइम हो गया 12:30, अभी हम लोग पहुंच गए करनाल। मुझे हल्की हल्की झपकी सी आ रही थी, मैंने उमर को बोला तू आ जा गाड़ी चला ले। पीछे क्या वो इतना में नींद आ रही है? पक्का तेको आ रही है? तू सो जा के मार, तेको तो नहीं आ रही भी नींद, चला ले फिर आराम से, ठीक है ना। से हम 10:15 बजे निकले थे, 2 बजे घर पहुंच गए हैं। रोड मतलब बिल्कुल सही थी, ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं मिला, टाइम भी हम पहुँच गए। इनको बहुत नींद आई थी, वो सो गए हैं। तो बस आज का व्लॉग बस यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बाय, गुड नाइट। ये मेहनत आज खुद के पैरों पे जगह बना ली मैंने यहाँ पे दिल में गहरों के, मंजिल से भी बड़ी ये चीज मेरी जीत, आपके मुस्कुराते चेहरों में चेहरा पढ़ देख मेरे सपने।